सभी को जय श्री राम। और आप सभी का हमारे चैनल रिएक्शन शॉर्ट्स विद वायरल दीदी पर स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं कि जैसे आप लोगों की बच्चों को समस्या होती है, फोकस नहीं हो पाता है किसी चीज़ पे या फिर पढ़ाई पे या फिर जीवन पे, तो हम ज़बरदस्ती जो चीज़ें करने की कोशिश करते हैं उस पर हमारा फोकस नहीं हो पाता है। तो उसके लिए जो योग और साधन है इस धरती पर जो कुछ मौजूद है, जो इस ब्रह्मांड में है, तो उसका सही तरीके से उपयोग करके ध्यान को कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए आज हमारे पास चार टिप्स हैं। जो कि पहली टिप्स है कि खाली पेट। तो खाली पेट जब हमारा ध्यान होता है तो बहुत अच्छे से लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आपका पेट भरा होता है तो आपका दिमाग और फोकस इधर उधर हो जाता है, आपके पास बहुत सारी समस्या होती है। लेकिन जब आपका पेट खाली होता है तो आप फोकस होते हैं। तो हमारे योग में कहा गया है कि यदि आपके पेट में जो भोजन है वो 1.5 से 2.5 घंटे के बीच में पच जाना चाहिए, और उसके बाद आप लोग जो थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू, आजकल नया मॉडर्न ट्रेंड है कि थोड़ा थोड़ा खाएँ, इससे सेहत अच्छी रहेगी। तो जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आप अपने मेटाबॉलिज्म सिस्टम को पूरा तरह से डिस्ट्रॉय करने का कोशिश कर रहे हैं, और आपकी इम्यूनिटी भी काफ़ी कमज़ोर होने वाली है। तो आप एक बार में, दो बार में, सुबह शाम दोपहर जब भी आपने डिसाइड किया उस टाइम भोजन करिए, और भोजन को अच्छे से चबा कर करिए, और ज़्यादातर आप थोड़े से कच्चे भोजन अपने भोजन में शामिल करिए, जैसे कि मूँग, जो चना खा सकते हैं वो चना, तो उस तरह का भोजन, फल थोड़े थोड़े, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, कुछ पके हुए और कुछ कच्चे अपने भोजन में शामिल करें। तो इस तरह से आपका जो सिस्टम है वो 1.5 से 2.5 घंटे के बीच में पूरा भोजन को पचा देगा। तो ये पहली चीज़ रही फोकस के लिए, हमें सही खाना है और सही तरीके से रहना है। और दूसरा है पालथी लगा कर बैठे, जैसे हम पालथी मार कर पूजा के लिए बैठते हैं या ध्यान के लिए बैठते हैं, योग के लिए बैठते हैं, तो जब आप पैर को मोड़ते हैं ना, तो आपका स्वाभाविक ध्यान जो है वो स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो आप ध्यान को इस तरह से तेज कर सकते हैं। एक जो कुत्ता होता है उसको, वो आपसे ज़्यादा चालाक है, हमसे ज़्यादा चालाक है, क्यों, ज़्यादा फोकस है, क्यों, क्योंकि जब भी आपके घर में कोई एंटर करता है तो वो जान जाता है कि ये आदमी किस प्रकार का है, लेकिन हमें और आपको नहीं पता है। तो आपको हमें नहीं लगता कि हमें इससे बेहतर होने की ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ ऐसा करिए कि आप पालथी लगाकर योग करिए, ध्यान करिए। इस ब्रह्मांड में सारी चीज़ें हैं जिनको आप बिना किसी गोल के देख सकते हैं, मतलब कुछ किसी चीज़ के लिए लक्ष्य ना बनाएं। तो उसके लिए अगला टिप्स हमारा है जो तीसरा है, उद्देश्यहीन ध्यान को गहरा करें। मतलब ये नहीं कि हमें नौकरी चाहिए, पढ़ाई चाहिए, फैमिली चाहिए, तो इस तरह का ध्यान ना करें, मतलब कि इसके लिए फोकस ना करें। तो हमें उद्देश्यहीन, जैसे कि उद्देश्यहीन ध्यान का मतलब है कि कोई भी गोल नहीं हो, फिर भी आपका ध्यान, जो कुछ भी आपके सामने पड़े उस पर आप ध्यान लगाइए, तो स्वाभाविक रूप से आपका ध्यान बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से तो आपका जो स्वाभाविक ध्यान है उसको बनाए रखें। और जैसे कि चाहे आप कोई पत्रकार हो, कलाकार हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं, तो आपको उसको फोकस करके चलना है। आपके परिवार की बात हो, आपके रिश्ते की बात हो, आपके जॉब की बात हो, तो आप उस पे पर्याप्त ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, तभी वो आगे चल रही है। तो फोकस कब, जब आप कोई चीज़ आपके मन के अंदर है तो आप उस पर फोकस कर पाते हैं, लेकिन कोई चीज़ आपके मन में नहीं है, आपकी रुचि में नहीं है, तो आप उस पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने मन से उस चीज़ पे ध्यान लगाइए। तो जो कि अगला टॉपिक है उस पर हम, इसका चौथा बिंदु जो है उस पर ये बात बताएंगे। तो जैसे कि कोई परिणाम देता है, आपका फैमिली परिणाम कब देती, जब आप उस पर पूरा फोकस देते हैं, पूरा ध्यान देते हैं कि आपकी फैमिली ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, तो वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देती है।
जब आप किसी जॉब में एक ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हैं तो वो आपको अच्छा परिणाम देती है। तो आप जब भी ब्रह्मांड में जो कुछ मौजूद है उस पर पर्याप्त ध्यान देंगे तो ब्रह्मांड के सारे द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। तो आप इस तरह से अपने स्वाभाविक ध्यान को बना सकते हैं। हमेशा बिना नतीजे निकाले हुए किसी चीज़ पे ध्यान देना। कभी भी आप कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसके नतीजे परिणाम रिजल्ट मत सोच लीजिए, सिर्फ उस पर अपना पूरा ध्यान लगाइए। कभी आपने एक शेर को देखा है, चीते को देखा है जंगल में, तो वो क्या करता है, वो पूरा ध्यान पूरा फोकस उसका शरीर उसका मन सब कुछ ऐसे ही रहता है, तो उसका ध्यान अब ऐसे है शिकार पे है। तो मनुष्य का भी ध्यान वो जानवरों से काफ़ी विकसित है यहाँ से, तो मनुष्य का ध्यान भी एकदम ऐसे होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें योग से ही यदि आप अपने शरीर और मन इन सब को मानसिक ध्यान में, अपना जो मस्तिष्क है और जो शरीर है इसको मानसिक ध्यान में लगा लेंगे तो एक ये ज़बरदस्त ताकत होगी तो जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो क्या आप इनसे अछूते न रहिए, इसको अपनाइए ज़रूर। चौथा बिंदु जो है जिस पे हम चर्चा करेंगे, किसी फोकस के लिए किसी चीज़ से प्रेम करें। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये पेन है, अगर मैं आपको कहूँ कि इस पे फोकस करिए तो क्या आप इस पे कितने देर तक ध्यान दे पाएंगे? कुछ देर तक, उसके बाद आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन आपको इससे प्रेम हो जाए तो मैं इसको अगर छुपा भी दूँ तो आप इसको लगातार ढूंढेंगे। तो ये आपका मानसिक ध्यान हुआ। तो जो चीज़ आपके मन में होगी उससे ध्यान करेंगे आप तो आपका ध्यान काफ़ी ज़्यादा, जो भी चीज़ आप करें खुशी से करें मन से करें, तो जो मन से करते हैं वो फोकस जो है वो आपका एकदम स्ट्रेट होता है और आप परिणाम की चिंता किए हुए भी उसको ध्यान करते हैं। जब किसी चीज़ से आप प्रेम करते हैं तो उसके बारे में आप लगातार कार्य करते हैं, वो चाहे जहाँ भी हो, आपके आँख के सामने है कि नहीं है तब भी आप उस पर ध्यान करते हैं। तो आपकी जो कुछ भी बहुत प्रिय चीज़ होती है तो उस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसलिए जिस चीज़ पे आपको ध्यान देना है उससे पहले आप प्रेम करिए, और तो नेचुरली वो आपके साथ होगा, वो चीज़ ध्यान में हो जाएगी। तो आप अपने शरीर को हमेशा योग में रखिए, ध्यान में रखिए, पूरे शरीर को ध्यान में रखिए। तो बिना परिणाम की चिंता किए, कभी भी परिणाम की चिंता मत करिए, हमेशा सही ध्यान कार्य करिए और उस पर बने रहिए, कभी भी इधर उधर मत होइए। तो इस तरह से आज हमारा जो टॉपिक था, चाहे पढ़ाई में हो, जॉब में हो, या फैमिली में हो, या फिर योग में हो, अध्यात्म में हो, तो हमारा ये सुझाव है कि आप इसको थोड़ा सा फॉलो करिएगा। जो चीज़ करें मन से करें, पूरे दिल से करें, फोकस अपने आप स्ट्रेट होगा। तो आप सभी को जय श्री राम। तो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, रिएक्शन शॉर्ट्स विद वायरल दीदी। जय श्री राम।